अपने परिवार के लिए जिंदगी भर चलना होगा तो मैं चलूंगा, नहीं दौड़ूंगा, जान भी देना होगा तो जान भी दे दूंगा। हम लोग चले चार दिन बाद, हम लोग चार दिन में अगर कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं देख सकते हैं कि अभी पवन सिंह श्रेया के घर पर पहुंचे हैं। देखिए भाई, अब देखना होगा कि कब होगा खुलासा श्रेया कांड का, क्योंकि पवन सिंह से काफी लोग लगाए हुए थे। अब देख सकते हैं, आगे बढ़ा, आगे आगे मीडिया आगे जाना, अरे जाओ यार, पूरा लेकर नहीं हेलो आ जाओ, अच्छा भट जाए, कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हैं कि पवन सिंह अभी श्रेया के में मौजूद हैं, तमाम मीडिया के लोग यहां पर मौजूद हैं, जो कि सबसे आपको बड़ी खबर मैं दिखा दूं कि पवन सिंह के आने के बाद क्या खुलासा होगा, क्या पवन सिंह का राय क्या होगा, और श्रेया केस में बस यही यही बस बस बस। अच्छा रुकिए, आराम से भीड़ लगा के नहीं, आराम से आराम से आराम से। पहली बार तस्वीर देखा जाए, पहुंचे हैं पीड़ित के घर पर, कौन सी का इंतजार कर रहे थे। हाँ आराम से, मीडिया छोड़ गए, पवन सिंह पीड़ित परिवार के पास, पवन सिंह का अगला कदम क्या होगा श्रेया के लिए, श्रेया के लिए 8 दिन हो गया अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ। भैया आप पहुंचे हैं श्रेया के आवास पर, मैं काराकाट की हर माताओं का बेटा हूं और हर बहनों का भाई हूं, तो समय मिला है, भरोसा रखिए सच सामने आएगा और मेरी बहन को मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। पवन सिंह मौजूद है और पिताजी मौजूद हैं, अभय सिंह परिवार का पिता, तो आप मैं दिखा दूं, आप देख सकते हैं कि पिता अभय सिंह और यहां पर पवन सिंह जी मौजूद हैं, जो कि पवन सिंह ने खुलकर बोल दिया है समय मिला है, आप लोग धैर्य रखिए सच सामने आएगा और हमारे परिवार को, हमारी बिटिया को, हमारी बहन को न्याय मिलेगा। आप क्या सुन रहे हैं? आप भैया रातों रात चल कर आए हैं लखनऊ से, रात भर सफर किया, एक खबर का खुलासा निकला है। मैंने एक बात बोला है जी, बोल रहा हूँ जी, काराकाट की माताओं का, हर एक माताओं का मैं बेटा हूँ, हर एक बहनों का मैं भाई हूँ। ये रात भर चलना क्या होता है? अपने परिवार के लिए जिंदगी भर चलना होगा तो मैं चलूंगा, नहीं दौड़ूंगा, जान भी देना होगा तो जान भी दे दूंगा। क्या कहेंगे पे, क्या कहेंगे जिस तरीके से है, क्या कहेंगे? ये देखिए पुलिसिया कार्रवाई पे क्या कहेंगे पवन जी, भरोसा है आपको जिस तरीके से लेट लतीफ किया जा रहा है पवन जी? भैया रुक जा भैया, ज्ञापन दिया जा रहा है, जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई है क्या कहेंगे? संतोषजनक नहीं मिला प्रदेशों को, 7 दिन बाद है, 7 दिन बाद फिर हम लोग चले, 4 दिन बाद हम लोग, चार दिन में अगर कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस मामले को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊंगा। स्वयं जाइएगा भैया? जी सर, मैं
अरे भाई तो आगे आइए, अरे आइए आगे आइए, अरे उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं भाई? हेलो खड़ो देख सकते हैं कि अभी पवन सिंह मौजूद है और तमाम लोग श्रेया केस में, आप कुछ उम्मीद है कि शायद खुलासा बहुत जल्द हो जाए। ए चंगस पिछुआ कह रहा था तुम लोग हो, देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जीरो कीजिए, जीरो कीजिए।